हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज हमारे इंट्रूडर में फिर से प्रॉब्लम आ चुका है। जैसे इसका ब्रेक मार दे रहे हैं ना, उसके बाद से इसका ना ब्रेक लीवर जो है ना, वो पकड़ ही रह जा रहा है। तो वही देख रहे, गाड़ी एकदम हालत ख़राब हो गया है। और हमारा इंट्रूडर तो आ गया, जो लास्ट वीडियो में इंट्रूडर का इंजन सीज हो गया था। मैंने तो इंस्टाग्राम पर अपडेट तो किया था कि भाई बाइक आ गया वापस, तो बहुत दिन से नहीं बना पाया यार, रामनवमी को लेके पीछे संडे को नहीं बनाए, उसे में हालत बहुत ख़राब हो गई। सोचे कि संडे को ब्लॉग बनाए, रामनवमी स्पेशल ब्लॉग, लेकिन एक्चुअल में यार टाइम नहीं मिल पाया। और उस समय तो हमारा देख 3 नंबर पर देख रहे क्या हाल हो जा रहा गाड़ी का, देखो पूरा गाड़ी वाइब्रेट कर जा रहा है। तो वही जा रहे हैं थोड़ा सा दिखवा लेने। और अभी कुछ देर पहले ना इसका ब्रेक लीवर पूरा फ्री हो गया था, तो हमको आइडिया मालूम है ऐसे ऐसे करने से इसको ठीक हो जाता है। तो वही अगेन जा रहे हैं हम लोग फिर से संतोष भैया के पास, देखते हैं। कुछ ना कुछ हमारे इंट्रूडर में होते रह रहा है, अब क्या हो जा रहा वो नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ जा रहा है गाड़ी में। 17 के ऊपर जा ही नहीं रहा है ना गाड़ी। छपरा में यही चीज़ का बस कमी है यार। देखा ना कैसे बंदे चला रहा था बाइक, थर्ड गियर में 17 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे अभी थर्ड गियर काम नहीं है हमको। अब बाइक हमारा पूरा वाइब्रेट कर जा रहा है यार। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए बने हुए गाड़ी का, उस हिसाब से गाड़ी में ख़राब भी हो गया। लग रहा पीछे का ब्रेक पकड़ा हुआ है। अरे भाई हट जाइए, लगता है यहाँ के लोगों को हॉर्न कम सुनाई देता है बाइक का या कार का जो भी हुआ। जब तक बंदा आ रहा है एकदम सटाएगा नहीं बॉडी में ना, तब तक वो लोग रास्ता में चलते ही रहेगा। लोग चपरिया जा रहा था, यही तो है हाल। ब्लॉग बनाते रहे, लोग बीच में हाथ दे देते हैं, तो ये सब चपरी करते हैं, जेंटलमैन नहीं करते हैं। चलो यार भैया को दिखवा दो। अभी ऑयल चेक हो रहा है इसका कि खत्म ना हो गया हो। इसका पूरा टायर भी तो जाम ही चल रहा है। चलते चलते अचानक से हो गया था, तो हमारा इंट्रूडर बन ही गया था। तो देख लो यार, इंजन इधर सीज हो गया था, तो फिर से यार इसमें ब्रेक प्रॉब्लम आ गया। पता नहीं यार इसमें क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हमको। ब्रेक वाल तो खत्म हो गया, ब्रेक वाल रिफिलिंग हो रहा है हम लोग का। अब ये पीछे वाले का
भैया हमारे बताए हैं इसको 40 के ऊपर से मत लेके जाना, 40 के ऊपर अभी जस्ट इसका स्टॉक चेंज हुआ है, प्रॉब्लम आ जाएगा। और सारा गियर को लाइन बाय लाइन इसको अप्लाई करते रहना, तो ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगा बाइक में, बाइक सही हो जाएगा। बोले 5000 ये 500, हाँ 500 किलोमीटर के बाद इसको आप 40 के ऊपर चला सकते हैं। तो भाई अभी 30, 35, 40 लास्ट 40 उसके ऊपर तो भाई नहीं, पता ही नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर से इंजन सीज होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो भाई यार इस हमारे ज़िंदगी पे एक शायरी मारने का मन कर रहा है। गए थे मदद करने किसी और का, ले नहीं पड़ गई किसी और की मदद। भाई वहाँ से हमको यहाँ पे आना पड़ा था, तभी दूर है, हालत ख़राब हो गया था, हमारे दो भाई नहीं आते तो हम और मेरा दर्श अटक जाते वहीं पे। तो थैंक्स फॉर भाई 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, ऐसी प्यार सपोर्ट दिखाते रहो भाई, और कमेंट करके बताया करो आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। चलो यहाँ पे दिखाते हैं आपको बाइक को ओवरव्यू। ये भैया इधर तो यार सब जगह तो यार फुटपाथ पे तो बना ही देता है लोग, तो पब्लिक कहाँ चलेगी, पब्लिक को तो रोड पे चलना पड़ता है। चलो आपको ओवरव्यू दिखाने का बड़ी मन कर रहा है। देखो यार यही हुआ है, इसका इंजन का बनने का 5000 कॉस्ट पड़ा था, इसको इंजन सीज हो गया था। और हमारा इंट्रूडर का ओवरव्यू देखे तो यार मेरा लास्ट वीडियो में जिसमें मेरा इंजन सीज हो गया था, फ्रंट बैक से देख लो यार, और जय श्री राम तो भाई लिखा हुआ है हमारे बाइक पे। यही ओवरव्यू है और हमारा कचहरी वाला रोड पे है। प्रॉब्लम बस यही है इसमें कि यार इसका जो ब्रेक है ना, यही इसमें यार ख़राब हो चुका है यार, प्रॉब्लम नहीं मालूम चल रहा क्या प्रॉब्लम है इसमें, ब्रेक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आगे वाला एकदम सही हो गया है। तो बाइक तो वॉश कराने से कोई फ़ायदा है नहीं कि गांधी चौक पे एकदम दिन रात लगा रहता है, गंदा तो होना भाई एकदम जायज़ है इसका। तीन साल पुराना बाइक है यार, और क्या चाहते हो आप इसे, एक्सपेक्ट क्या करना चाहते हो आप, ना कि सुजुकी का सक्सेसफुल बाइक है, अनसक्सेसफुल बाइक है ये, तभी ये सुजुकी इसको रखा है, इसको कंटिन्यू रखा है। मेरे ख्याल से इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए कि इसमें जिक्सर का इंजन लगा, इसी का इसमें पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसमें यदि इसका ओरिजिनल इंजन लगा होता है तो पावर एकदम लह रहता ही नहीं, जिक्सर है भाई R15 को टक्कर देता है, तो वही बात है। और बगमैन में एक्सिस का इंजन लगा हुआ है, वही दोनों यार बात है, सुजुकी बनाया है लेकिन लुक अच्छा दिया है, लेकिन इसका लुक हमको अच्छा नहीं लगा है। एक यार आप CBR 150R से आप डायरेक्ट एक क्रूजर बाइक पे आ जाना, कितना स्ट्रगल का बात है। ये हमारे पापा का मन था बाइक का, एक्चुअल में ये भी हमारा का मन नहीं था, ये हमारे पापा का मन था इंट्रूडर लेने का। मैं एडवाइस देगी भैया पापा KTM ले लीजिए, तो वो कहाँ ठहर मानने वाले, तो ठीक है ले लीजिए, आज मेरे हाथ में है CBR 150 से एक बार इंट्रूडर पे आ गए, अभी स्कूटी पे चल गए। एक्चुअल में उनका इस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तो चेंज कर दिया था बाइक, तो वो स्कूटी पे आ गया, तो वो मेरा स्कूटी से को बर्थडे गिफ्ट मिला हुआ था। मैं सोचा कि 1K के बाद फेस रिवील करूँगा अपना, लेकिन कोई बात नहीं चलो। एक्चुअल में बहुत लोग पहचानता भी है हमको, हंसते रहो हंसाते रहो खुशियाँ बांटते रहो, हम मिलेंगे फिर चलते चलते। ओके बाय।